गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपने हमारे पहले ही लेक्चर देखे हैं, हमने नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया, उसकी बेसिक चीज़ें जो भी थी हमने आपके साथ डिस्कस की, नंबर सिस्टम में क्या क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। सो नाउ हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की कुछ क्लासेस। पर रीजनिंग की आपने देखा है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देयर इज अ सेक्शन ऑफ रीजनिंग, मिनिमम 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स का एक आपका सेक्शन होता है। तो उसमें से एक टॉपिक आपका है डायरेक्शन सेंस। सबसे हमने पहले जो उठाया है टॉपिक, दैट इज योर डायरेक्शन सेंस। तो ये जो टॉपिक है आपका, चाहे वेदर योर एग्जाम चाहे वो GKSSB का है, चाहे वो GKSSB का हो, चाहे SSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे CSAT दे रहे हो, UPSC का या फिर JKPSC का, सब में डायरेक्शन सेंस के मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको कुछ डायरेक्शन का सेंस होनी चाहिए। सो एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्शन सेंस, तो आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन करने से पहले आपको वो पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि मेनली देर आर 4 डायरेक्शंस, तो वो हमें पता है कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये डायरेक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हैं, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यू आर हियर, तो आपके जो ऊपर है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे दैट इज योर साउथ डायरेक्शन, एंड योर राइट अगर आप ऊपर देख रहे हैं, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं पे भी घर पे आप प्रैक्टिस करते हो, तो सबसे पहले आपने ये बना लिया। अगर आप स्टार्ट किया अभी आप जो बच्चे अभी स्टार्ट करना शुरू किया, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है इसके बारे में, जो बच्चे काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, बट उनको पहले से ही पता है, सो उनको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये बनाना ज़रूरी है। सो सबसे पहले ऊपर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे आपकी साउथ डायरेक्शन, एंड दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। और ये 4 डायरेक्शन के साथ साथ कुछ हमारे इनके बीच की जो डायरेक्शन है उन्हें हम कहते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। तो इनके बीच की डायरेक्शन देखिए, जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन, द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, दैट डायरेक्शन इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने ये डॉट से आपको बताया, तो दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज नोन एज साउथ ईस्ट। इनके बीच की जो डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज नोन एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये सारा उतार लें, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लें, इतना जो आपको बताया गया। सो दिस इज अबाउट योर डायरेक्शंस, थोड़ा सा जो बेसिक है आपको डायरेक्शन का पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। अब इसमें एक 2 चीज़ें और होती हैं कि आपका राइट, आपका लेफ्ट कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायरेक्शन है तो आप हमेशा यहाँ से चलेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ हियर, तभी आपका क्वेश्चन जो है उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसे फास्ट करना है, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको अवॉइड करके हम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट हेयर वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन सेंस, तो इसमें आपको एक एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर, ठीक है, एंड योर फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो आप यहाँ से चलते हैं, योर फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, व्हेन योर फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ, व्हेन यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो दिस इज योर, आप खुद को इमेजिन कीजिए कि मैं वहां पे खड़ा हूं, वहां पे लिखा हुआ राम श्याम या ABC कुछ भी लिखा हुआ, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ कि आप ही वो बंदे हो,
सो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ कि मैं वहां पे, तो आप मुझे बताइए अगर आप यहां पर खड़े हैं, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, जब आप यहां खड़े हो टुवर्ड्स योर फेस इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप इस तरफ जा रहे हो, तो आपका राइट किस तरफ है? दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड, सो आपका राइट ही राइट डायरेक्शन है एंड आपका जो लेफ्ट है दैट इज लेफ्ट व्हेन यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जब आपका फेस कहाँ है? नॉर्थ है। इसका अपोजिट है जब आपका फेस किस तरफ है? टुवर्ड्स साउथ, मतलब कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो, टुवर्ड्स डाउनवर्ड साउथ की तरफ आपका फेस है, यहाँ आप उस तरफ जा रहे हो या आपका फेस उस तरफ है, तो आप देखिए आप जो चेंज आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप खुद को इमेजिन कीजिए वहां पे, तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, तो आपका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा विद द चेंज ऑफ योर डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ में थे तो दिस वॉज योर राइट साइड एंड दिस वॉज योर लेफ्ट साइड, बट वेन यू चेंज योर फेस, जब आपने साउथ की तरफ अपना फेस किया, सो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा कि राइट कहाँ है और लेफ्ट कहाँ है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना उतार लें, इसको लिख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके उसके लिए, तो इतना आप इसे नोट कर दीजिए।